पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से हिंदू संगठन की महिला कार्यकर्ताओं ने एक लव जिहाद के आरोपी युवक और पीड़िता युवती को पकड़कर जीआरपी पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों पड़ोसी जनपद रामपुर के थाना भोट इलाके के रहने वाले हैं। आरोपी मेहरबान हिंदू युवती को बहला फुसला कर रुड़की स्थित कलियर मजार पर चादर चढ़ाने के बहाने ले जा रहा था। जीआरपी ने इस बाबत रामपुर पुलिस को सूचना दे दी है। हिंदू संगठन से जुड़ी महिला पदाधिकारियों ने बताया कि ये लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर संदिग्ध हालत में बैठे थे। जब इनसे पूछताछ की गई तो मुस्लिम युवक ने अपना नाम हिंदू बताया। इसी तरह युवती ने भी अपना नाम असली नहीं बताया। जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूरा मामला खुला। इस मेहरबान नामक युवक ने हिंदू युवती का माइंड वॉश कर दिया, इसलिए वो इसके साथ कलियर मजार पर चादर चढ़ाने के लिए तैयार हो गई। दोनों को पकड़कर जीआरपी को सौंप दिया गया और रामपुर पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई। हमारे यहाँ 3 तारीख से 18 तारीख तक साहिबाबाद गाजियाबाद में एक ओटीसी वर्ग लग रहा बहनों का, उसमें मैं अपनी बेटी सहित 20 बहनों को छोड़ने के लिए आए थे यहाँ पे। जैसे ही वो गए तो मैंने देखा, मैं अकेली वहीं पर खड़ी थी, एक भैया भी थे जो अपनी बेटी को छोड़ने गए थे, और मैंने देखा कि ये लड़की जिसका नाम मोनिका है और भोट के किसी गाँव से है, इसके साथ एक लड़का है जिसका नाम मेहरबान है, दोनों बहुत ही एक तरह से लवर स्टाइल में बैठे हुए थे। लड़की के हाथ में ओम बना हुआ था। जब मुझे थोड़ा डाउट सा हुआ, एक भैया और थे यहीं पे, अनूप नाम है उनका, अपनी बेटी को छोड़ने आए थे, तो मैं उनसे, उन्होंने मुझसे कहा मैम ये क्या लग रहा है आपको, तो मैंने कहा मुझे कुछ डाउट लग रहा है, क्योंकि इस तरह से ना तो भाई बहन बैठ सकते हैं ना ही कोई पति पत्नी बैठ सकते हैं, ये कुछ अलग ही वो लग रहा। मैं उसके पास जाके बैठी और मैंने पूछा आप कहाँ से हो, क्या नाम है, तो इस लड़की ने अपना नाम नगीना बताया। मुझे डाउट हुआ, उसके हाथ पे ओम लिखा हुआ था। अब नगीना तो ओम नहीं लिख सकती, बराबर में बैठा मैंने कहा भैया आपका नाम क्या है, तो उसने अपना नाम भी रोहन बताया। आफ्टर दैट मुझे डाउट हुआ, तो मैंने उनसे देखा, थोड़ी देर बाद उस लड़के का फ़ोन आ जाता है और उस पर वो अपने उर्दू लैंग्वेज में वालेकुम अस्सलाम ऐसे करके बोल रहा था और अपना नाम मेहरबान बता रहा था। जब इसका डाउट हुआ मैंने पूछा सही बताओ, तो बताया कि इस तरह से लगा किसी से कोई ब्रेन वॉश कर रखा है, और इसको पूछा कहाँ जा रहे हो, टिकट देखा तो ये कलियर जा रहे थे, कलियर ले जा रहा था। रीजन पूछा कि मैं बीमार रहती हूँ इसलिए लड़का मुझे वहाँ पे ले जा रहा है, कलियर जाके हम ठीक हो जाएंगे। तो क्या लगा आपको, क्या लगा? मुझे तो कुछ भी नहीं, यही लगा कि सीधा सीधा लव जिहाद है। आपने क्या किया थे? मैंने क्या किया, मैंने उस लड़की से आराम से पोलाइट वे में पूछा, नहीं माना, जब 2-3 उसको चांटे लगाए तो उसमें रियलिटी बता दी कि मेरा नाम वास्तव में मोनिका है और इस लड़के के साथ मैं कहीं जा रही है। एक्चुअली अलोप हो रहे थे दोनों। आपने फिर अब कहाँ है? ये दोनों यहीं पे अंदर बैठे हुए हैं, जीआरपी थाने में है। मैंने मिशन शक्ति को फ़ोन किया, मैंने 112 नंबर पे हेल्पलाइन पे फ़ोन किया, और उसी के अनुसार फिर जो हमारे आरएसएस के अपने और बजरंग दली के जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं जिनका मुझे नंबर याद था उनको फ़ोन किया। लड़का और लड़की दोनों बोट के पास गाँव है उसके बताया। हाँ, ये बात मेरे प्रभारी निरीक्षक मुरादाबाद जीआरपी ने बताया है मुझे कि एक लड़का और एक लड़की जो कि कलियर शरीफ जा रहे थे मजार पे अपनी मन्नत के लिए, और ये भी बात संज्ञान में आई है प्रथम दृष्टया कि दोनों लोग भिन्न 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 वर्ग के थे, इस पर हिंदू संगठन के द्वारा ये बात बताई गई, जिससे वो हमारी पुलिस खुद वहाँ उनको जा कर के लाई और उनके संबंधित थाना जहाँ के वो निवासी थे वहाँ की पुलिस को बुला करके, महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस को बुला करके उनको सुपुर्द कर दिया गया है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।